चाणक्य नीति, पुरुष को तुरंत हटा लेनी चाहिए नजरें अगर स्त्री कर रही हो ये काम। आचार्य चाणक्य ने पुरुषों को कुछ कामों को करने से बचने की सलाह दी है। उनके मुताबिक पुरुष अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उनको उसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। आचार्य चाणक्य के नीति शास्त्र के सिद्धांत अगर किसी ने अपनी जिंदगी में आत्मसात कर लिए तो वह बेहतर जिंदगी जी सकता है। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, परिवार, रिश्ते, मर्यादा, समाज, संबंध, देश और दुनिया के साथ ही कई और चीजों को लेकर सिद्धांत दिए हैं। चाणक्य के ये नीति शास्त्र के सिद्धांत सबसे ज्यादा प्रासंगिक हैं। ऐसे में चाणक्य ने पति पत्नी के संबंध और रिश्तों पर भी अपने सिद्धांत दिए हैं, जिसे जानना बेहद जरूरी है। इस तरह की मोटिवेशनल और ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चाणक्य ने पुरुषों को कुछ चीजों से बचने की सलाह दी है ताकि वह जीवन में उत्थान और प्रगति करे, ना कि वह पतन की ओर चले जाए। ऐसे में चाणक्य ने बताया है कि किन कामों को गलती से भी पुरुषों को नहीं करना चाहिए। ऐसी महिलाओं को नहीं देखें जो भोजन कर रही हो। चाणक्य बताते हैं कि शिष्टाचार के दायरे में रहकर अगर भोजन किया जाए तो वह हमेशा बेहतर होता है। वह बताते हैं कि भोजन करती महिला को पुरुषों को नहीं देखना चाहिए, यही शिष्टाचार है, क्योंकि ऐसा करने से महिलाएं असहज हो जाती हैं और वह ठीक से खाना नहीं खाती हैं, जबकि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को भीख ज्यादा लगती है। हालांकि आज का समाज बदला है और महिला और पुरुष साथ बैठकर खाने लगे हैं, लेकिन फिर भी इन तमाम बातों का ध्यान रखना चाहिए। महिलाएं अगर कपड़े संभाल रही हो, चाणक्य मानते हैं कि जब कोई स्त्री या लड़की अपने बदन के कपड़े ठीक कर रही हो तो पुरुषों को अपनी नजरें फेर लेनी चाहिए। इसे चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में अपराध माना है। इसके साथ ही चाणक्य कहते हैं कि छींकते और जम्हाई लेते समय भी महिलाओं को पुरुषों को नहीं देखना चाहिए। यह पुरुषों की मर्यादा है और इसके खिलाफ आचरण आपको पतन की ओर ले जाएगा। श्रृंगार करती महिलाएं, चाणक्य कहते हैं कि काजल लगाती श्रृंगार करती महिलाओं को पुरुषों को नहीं निहारना चाहिए। यह आचरण मर्यादा के खिलाफ है। वहीं अगर औरत किसी बच्चे को तेल मालिश कर रही हो तो उसको भी पुरुषों को देखते ही नजर फेर लेनी चाहिए। इसे देखना भी उचित नहीं माना गया है। आने वाली हर वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखिए।